हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो अब जो है वो आप लोगों का परिणाम भी जारी हो गया है और कट ऑफ भी आ गई है, लेकिन ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है क्योंकि 2 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने। तो अब जो फाइनल कट ऑफ आएगी तो वो कितनी रहने की संभावना है, तो अगर हम थोड़ा सा आइडिया लगाएं, जैसा कि आपको पता है रीट में नेगेटिव मार्किंग थी, तो अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ही जो है वीडियो का एग्जाम लिया था तो उसमें भी 2 गुना बच्चों को शामिल किया। उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ आई तो उसमें कितना अंतर रहा, तो उसमें 3 प्रश्न यानी कि 6 मार्क्स, इतना ही अंतर देखने को मिला। ठीक है, तो अब हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर भी जो एग्ज़ाम में जो सिलेबस जिस तरीके से था, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो इतने आसान नहीं थे, वीडियो का जो एग्ज़ाम था उसमें भी इतने ज़्यादा आसान नहीं रहे। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग जो है वहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी थी, और एक ही बोर्ड है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। थोड़ा सा अगर आइडिया लगाएं हम तो आपके साथ भी जो है यही रहने वाली है फाइनल कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अब फाइनल कट ऑफ जब आएगी तो हमारा जो है नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप जो है 6 6 मार्क्स जो है वो आप जोड़ लें। ठीक है, जनरल कट ऑफ जो है जैसे 186 है तो 192, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। 166 है तो यहाँ पर भी 6 जोड़ लें, 172 हो जाएगी। इसी तरीके से OBC, SC, ST। ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रश्न या 4 प्रश्न, मैक्सिमम 4 प्रश्न, इतना ही अंतर रहने वाला है। तो इस चीज़ को जो है वो आप समझे होंगे कि अभी जो कट ऑफ आई है तो ये 2 गुना बच्चों की है, फाइनल जो कट ऑफ आएगी थोड़ी सी आगे जाएगी, इतना भी आगे नहीं जाएगी जितना आप सोच रहे हैं, टेंशन में हैं, टेंशन बिल्कुल निकाल दें। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रश्न, और भी अगर हम जोर लगाते हैं तो 4 प्रश्न। ठीक है, और 4 प्रश्न का मतलब होता है 4 दूनी 8, यानी कि 8 मार्क्स जो हैं इसमें जोड़ लें। ठीक है, तो 6 से लेकर 8 मार्क्स जो हैं वो आप अगर जोड़ते हैं तो इतनी ही फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।